अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नजीब खान और आप देख रहे हैं नजी टीवी ऑफिशियल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कोई भी चीज़ प्ले स्टोर से बाय करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, जैसे कि आप प्ले स्टोर से पबजी मोबाइल के लिए यूसी खरीदना चाहते हैं, रॉयल पास खरीदना चाहते हैं, या कोई भी प्ले स्टोर के ऊपर आपको ऐप अवेलेबल है, आप उसको ख़रीदना चाहते हैं और अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे, मुकम्मल तरीका आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको जैज़ और जोंग की सिम के ऊपर आपको बताऊँगा, ठीक है, कि आपने कैसे बाय करना है और किस तरह से अगर आपके पास जो मसले आते हैं प्ले स्टोर के ऊपर, आपके पास जोंग अनअवेलेबल, जैज़ अनअवेलेबल, इस तरह के जो मसले आते हैं गाइज़, उनका हल भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमने पबजी के लिए यूसी खरीदनी है, वो आपको मुकम्मल तरीका इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन यार, उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ गाइज, तो किस बात की देरी है, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन देखने को मिल जाएगा, जस्ट आपने इसके ऊपर आपने लाजमी क्लिक कर देना है, ठीक है। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है, बिल्कुल फ्री है, इसके ऊपर क्लिक करना, साथ ही घंटी के ऊपर क्लिक करके आल के ऊपर क्लिक कर देना है और इस वीडियो को कर देना है लाइक, ठीक है। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी आपने जो भी चीज़ यूसी खरीदनी है, मतलब कोई भी चीज़ खरीदनी है गाइस, उसके लिए आपके पास उसी सिम के ऊपर पैकेज होना चाहिए जिस सिम के ज़रिए आप मतलब ख़रीद रहे हैं, ठीक है। मैंने जोंग के ज़रिए मतलब यूसी ख़रीदनी है, तो मेरे पास जोंग की सिम के ऊपर पैकेज होना लाजमी है। जैज़ के ज़रिए ख़रीदनी है, तो जैज़ के ऊपर पैकेज होना लाजमी है, ठीक है। हम आते हैं पेमेंट मेथड के अंदर, तो यहाँ पर मेरे पास जोंग की सिम के ऊपर पैकेज है और मैं जोंग के ज़रिए ख़रीदना चाहता हूँ, तो मेरे पास आप देख सकते हैं जोंग अनअवेलेबल। आपके पास भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसका प्रॉब्लम का हल मैं आपको दो तीन हल बताऊँगा, ठीक है, कैसे आपने हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जोंग की सिम के ज़रिए ख़रीदना है, लेकिन मेरे पास आ रहा है यूज़ जैज़ बिलिंग। हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, अगर आप जैज़ की सिम के ज़रिए खरीदना चाहते हैं, ठीक है, आपका जैज की सिम के ऊपर पैकेज है, बैलेंस आपका जैज की सिम के अंदर है, फिर आपके पास जैज बिलिंग आता है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जोंग अनअवेलेबल आ रहा है, आपने जोंग की सिम के ऊपर खरीदना है, तो ये आपके लिए मसला हो सकता है। तो अब हम जोंग अनअवेलेबल को कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला जो आपका तरीका है वो ये करना है आपने, कि आपने सिम्स को निकालना है, अपने सिम स्लॉट्स को ओपन करना है बाहर, ठीक है। यहां से आपने अपनी अपनी जैज की सिम को कर देना है निकाल, ठीक है। यहाँ से हमने जैज़ की सिम को कर दिया निकाल, उसके बाद आपने इसको कर देना है एंटर। यहाँ पर आपने इसको कर लेना है मतलब जो भी आपका पासवर्ड होगा, मतलब वो मैं यहाँ पर अपना लगा देता हूँ, ठीक है। ये काम करने के बाद अभी मैं आपको अपना प्ले स्टोर, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिम वन के अंदर जस्ट जोंग है, ठीक है, हम इसको कर लेते हैं यहाँ से डन। अभी हम जाते हैं अपने प्ले स्टोर के अंदर, यहाँ पर हमारा ओल्ड है, तो मैं इसको मतलब कि यहाँ से एक बार क्लियर करके भी आपको चेक करवा दूँगा। इस तरीके के ज़रिए आपका मसला सोल्व हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे मोबाइल्स के अंदर मसला सोल्व हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास फिर भी यहाँ पर जो मसला है वो जोंग अनअवेलेबल आ रहा है, भाई आपने जोंग के जरिए बाय करना है जोंग अनअवेलेबल, तो आपने मोर पेमेंट सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आ जाना है क्रोम ब्राउजर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपके सामने गूगल पे, गूगल डाउनलोड इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपने इसको कर देना है जोंग को यहाँ से रिमूव, ओके करने के बाद यहाँ से आपने आ जाना है बैक। जोंग को रिमूव करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम फिर भी ट्राई करते हैं, इस मेथड के जरिए भी बहुत सारे मसला हल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से हमारा जो जोंग अनअवेलेबल आ रहा था वो भी गायब हो चुका है। हमने मोबाइल के अंदर जस्ट और जस्ट जोंग की सिम है, जैज़ की सिम भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास जैज़ नहीं आ रहा। तो इसके लिए आपने ये ट्राई लाजमी करनी है कि आपकी जो सिम है वो आपने सिम की स्लॉट्स चेंज करके लाजमी ट्राई करनी, मतलब कि आपके सिम वन के अंदर है तो आपने सिम टू के अंदर आपने उसको चेंज कर लेना है, सिम टू के अंदर है तो सिम वन के अंदर लाजमी चेंज करना है। तो यहां पर मेरे पास फिर भी वही मसला आ रहा है, तो अभी आपने ये ट्राई भी लाजमी करनी है कि आपने सिम स्लॉट्स को बाहर निकालना है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको कर देनी है इसकी जगह चेंज, सिम वन में है तो सिम टू में चेंज कर देनी है, टू में है तो वन में, तो वन में रहना बेहतर है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको मतलब पासवर्ड लगा देता हूँ, उसके बाद अपना प्ले स्टोर आपकी नज़रों के सामने ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जोंग टू में आ चुकी है, अभी मैं आपको प्ले स्टोर ओपन करके दिखाता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ, फिर से प्ले स्टोर ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास वही इशू आ रहा है, ठीक है। जो मेन हल है वो ये है गाइज, ये तमाम काम लाजमी है, लेकिन उसके बाद आपने करना क्या है, अपनी सेटिंग्स में जाना है, ठीक है, ऐप्स के अंदर जाना है। ऐप्स के अंदर आने के बाद यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको प्ले स्टोर मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर, उसके ऊपर क्लिक करना है, स्टोरेज के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। स्टोरेज के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्लियर डाटा, तो आपने क्लियर डाटा के ऊपर क्लिक करने के बाद ओके कर देना। इस तरह किया होगा गाइस कि आपकी सिम तो आपकी चेंज हो चुकी है, जैज़ की सिम भी आपने निकाल ली, अभी आपका जो मतलब गूगल प्ले स्टोर होगा वो बिल्कुल फ्रेश होकर ओपन होगा और वो आपकी जोंग की सिम को ही डिटेक्ट करेगा। अगर आप जैज़ की सिम कर खरीदना चाहेंगे तो जैज़ की सिम को डिटेक्ट करेगा। पेमेंट मेथड के अंदर हम जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जोंग की सिम पर पैकेज है, जोंग के जरिए खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास जोंग बिलिंग आना शुरू हो जाएगा। जस्ट आपने यूज़ जोंग बिलिंग के ऊपर क्लिक करना है और आपका यूज़ जोंग बिलिंग इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको फास्ट टाइम यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये आपसे स्ट्रीट एड्रेस वगैरह मांगेगा, तो आपने वहाँ पर कोई भी मतलब के एड्रेस वगैरह दे देना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जोंग ऐड हो चुका है गाइस, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उसी सिम के ऊपर आपका मतलब पैकेज होना चाहिए इंटरनेट का, जिस सिम के जरिए आप खरीदना चाहते हैं, जैसे कि जैस के जरिए,
तो जैज़ की सिम के ऊपर जोंग के जरिए, तो जोंग की सिम के ऊपर पैकेज होना लाजमी है। तो अभी हम आपके सामने पबजी ओपन करते हैं। तो पबजी के अंदर आपने यूसी कैसे बाय करनी है वो आपको बताता हूँ। मेरे पास इस वक्त पबजी मोबाइल का कोरियन वर्जन है गाइस। कोरियन वर्जन के अंदर आप खरीद तो नहीं सकते यूसी अपने गूगल प्ले स्टोर के जरिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ग्लोबल वर्जन में खरीदना चाहते हैं तो जस्ट ऊपर आपने यूसी के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका 600 यूसी आ रही है जो कि आपको 1600 रुपये में मिलेगी, और 60 यूसी आ रही है जो कि आप 160 रुपये में ले पाएंगे, ठीक है। तो हम आपको 60 यूसी लेने का तरीका बताते हैं कि कैसे लेनी है गाइज। तो यहाँ पर हम 60 यूसी के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल पे जोंग आपका ऐड हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं जोंग के ऊपर, यहाँ पर हमारा जोंग ऐड हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस मोबाइल के अंदर मेरे पास पबजी कोरियन वर्जन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परचेज कंट्री इज़ नॉट स्पॉटेड, करेंसी इज़ नॉट स्पॉटेड। लेकिन अगर आपके पास पबजी ग्लोबल वर्जन है जो कि आपको प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, आप मतलब अपने मोबाइल के अंदर जो आप यूज़ कर रहे हैं गूगल मतलब कि पबजी ग्लोबल वर्जन, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको नज़रों के सामने ये इसके अंदर अगर आप मतलब आपका जोंग बिलिंग ऐड हो चुका है, यहाँ पर आने के बाद मतलब यहाँ पर आपने जस्ट इसको करना है कंटिन्यू। जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे गाइज, आपके मोबाइल की सिम के अंदर 160 रुपये होना लाजमी है। आप 60 यूसी 160 रुपये में ख़रीद पाएंगे। यहाँ से जैसे कि मेरे पास करेंसी नॉट अवेलेबल आ रहा है, लेकिन यहाँ से मैं इसको ख़रीद नहीं पा रहा, तो जस्ट आपने यहाँ से इसको खरीद लेना। तो उम्मीद है गाइस तरीका आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। मेरा काम था जस्ट आपको समझाना। तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई हमारा बैलेंस हमारी अकाउंट के अंदर होना चाहिए या सिम के ऊपर। तो भाई आपकी सिम के ऊपर बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास RS 0 है, ठीक है। आपने रॉयल पास लेना है तो यहाँ पर RS 1600 तकरीबन 50 रुपये होना लाजमी है, फिर जाकर आप 600 यूसी खरीद पाएंगे। और उसके अलावा अगर आपके पास जस्ट यहाँ पर मतलब अकाउंट के अंदर लोड करते हैं तो आप नहीं खरीद पाएंगे। तो मुकम्मल तरीका उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक